रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। डियर व्यूअर्स, आज की मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार 10 मिनट में रेडी होने वाली ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो चलिए जी, अपनी ब्रेकफास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 3 से 4 अदर स्लाइसिस ले लिए हैं। अब हम इन स्लाइसिस को दरमियान में से कट करेंगे और एजिस को हमने एज इट इज़ ही रहने देना है। ये देखिए, दरमियान में से हमने स्लाइसेस को कट कर लिया है और एजिस को हमने इस तरीके से ही रहने देना है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। मैंने 3 अदद अंडे ले लिए हैं। अगर आपके पास छोटे अंडे हैं तो आप 4 से 5 लेंगे। मेरे पास क्योंकि ये अंडों का साइज़ ठीक था, इसलिए मैंने जस्ट 3 ही लिए हैं जी। तो अंडों को हमने तोड़ लिया है। अब हम इसमें चंद मसाला जार डालेंगे। मसाला जात में मैंने 1 चम्मच नमक की ली है, खुश्क धनिया पाउडर लिया है और 1 चम्मच ही मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है। अब हम इनको अंडों के अंदर डालकर अच्छे तरीके से फेंटेंगे। अंडों को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब मैं 1 कप इसमें रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध इसके अंदर शामिल करूँगी और इसको हम अच्छे तरीके से फेंटेंगे। अब हम इन अंडों में चंद वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स में मैंने 1 प्याज चॉप कर लिया है, 1 शिमला मिर्च ली है, 2 टमाटर लिए हैं और 1 हरी मिर्च ली है। आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो या जो आपके पास अवेलेबल हो, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो वेजिटेबल्स डाल सकते हैं जी। तो हमारा ये अंडों का मिक्सर जो है रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इसकी मेकिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम पैन को ग्रीस कर लेंगे घी या ऑयल के साथ जी। तो पैन को हमने ग्रीस कर लिया है। अब हम अपना स्लाइस इसके अंदर रखेंगे इस तरीके से और फिर हम इसके अंदर जो हमारी अंडों वाली फिलिंग है वो हम इसमें डालें जी। एग फिलिंग हमने इसके अंदर डाल दी। अब हम इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रख देंगे। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जो कट किया था बीच में से सैंडविच का स्लाइस, वो हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको 1 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको पलट पलट कर, जैसे ही ये टोस्ट एक साइड से फ्राई हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर लें। उसके बाद हम इन टोस्ट को 1 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे और 1 मिनट के बाद हम इनको फिर चेक करेंगे। जब ये मुकम्मल दोनों साइड से पक जाएंगे तो हम इनको डिश आउट कर लेंगे। ये हमारा देखिए चीज़ी यमी ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी और इसके बाद हम इसको कट करेंगे। आपको ये देखिएगा, इस ब्रेकफास्ट में डबल मज़ा मिल जाएगा। इसमें ये ऑमलेट टोस्ट भी आपको टेस्ट देगा और इसके साथ ही ये आपको पिज़्ज़े का मज़ा भी देगा। पिज़्ज़ा लवर्स को ये यकीनन मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अब हम इसके स्लाइसेस कट करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक मत दीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।